हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस न्यू सेशन। गाइस, मैं दीपांकर सर, आप सभी स्टूडेंट्स एंड जूनियर्स का इस प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ। तो बच्चों, आज हम लोग जेई मेन्स 2020 का इंटीग्रेशन का एक बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको हम लोग यहाँ पर में डिटेल्ड वे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो माई डियर फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक ये चैनल दीपांकर कुमार NIT जमशेदपुर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जो भी कंटेंट आए जेई मेन्स एंड एडवांस रिलेटेड एंड जो भी इंफॉर्मेशन है आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन है, रूट एक्स डिवाइड बाई 1 + x का होल स्क्वायर dx और f(3 - f)1 का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन के लिए सब्सटीट्यूशन देखिए, यहाँ पर मैं 1 + x का टर्म है, 1 + x का टर्म है, तो अगर x को tan स्क्वायर थीटा ले लूँ तो 1 + tan² थीटा यानी sec स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, और x का जगह tan स्क्वायर थीटा, तो रूट tan स्क्वायर थीटा tan थीटा वहां से आपको सॉल्व हो सकता है। तो हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे, क्योंकि स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशन है, x इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अच्छा, जब x का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट किया, तो ये एफ एक्स वाला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, एफ थीटा में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं, आप x का वैल्यू अगर 3 रखोगे तो ये लिमिट को भी हम लोग सेट कर ले रहे हैं, 3 tan² थीटा। तो यहाँ से tan थीटा इक्वल टू √3, tan थीटा इक्वल टू √3, प्लस वाला साइन को लिया तो थीटा आपको आ जाएगा 60 डिग्री, यानी π/3। इसी तरह से अगर आपने यहाँ पर मैं tan स्क्वायर x का जगह 1 रखा, तो 1 = tan² थीटा, तो यहाँ से थीटा का वैल्यू कितना हो गया आपको, π/4। यानी इफेक्टिवली आपको निकालना है, अब आपको जो है ये मेरा एफ ऑफ थीटा में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पर मैं, हम लिख सकते हैं रूट एक्स यानी tan स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर मैं आ जाएगा tan ऑफ थीटा इंटू, यहाँ पर dx को लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ पर मैं dx को हम लोग लिख सकते हैं इस tan स्क्वायर थीटा का डिफ्रेंशिएशन 2 tan थीटा इंटू tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो ये सब्सटीट्यूशन आपको यहाँ पर मैं बैठाना पड़ेगा, dx इक्वल टू 2 tan थीटा tan sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, यानी 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा डिवाइड बाय यहाँ पर 1 + tan² थीटा का होल स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, तो आपको बन जाएगा sec/4 थीटा। और ये जो आपको थीटा के टर्म्स में आ गया, अब आपको 3 नहीं निकालना है, आप 3 के कॉरस्पॉन्डिंग थीटा कितना आया है, π/3, और ये जो 1 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग थीटा कितना आया, π/4। यानी अब आपको वैल्यू ये निकालना है, f(π/3 - f(π/4), ये थीटा के टर्म्स में आंसर आ रहा है माय डियर फ्रेंड, है ना, मैंने इंटीग्रेशन को थीटा के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया है। तो एफ ऑफ थीटा, आप देखिए sec स्क्वायर थीटा कैंसिल, 1 sec² थीटा ऊपर चला जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो 2 tan² थीटा, 2 tan² थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा इंटू, ऊपर में कॉस स्क्वायर थीटा हमारे पास में है, इंटू डी थीटा। तो ये कॉस स्क्वायर कैंसिल, तो आपको एफ ऑफ थीटा का जो वैल्यू आ रहा है इक्वल टू 2 sin² थीटा d थीटा, है ना। अब यहां पर मैं एक फॉर्मूला लगेगा, आप सभी को पता है ये फॉर्मूला, cos 2 θ = 1 - 2 sin² θ। ये फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई, ये फॉर्मूला को यहाँ पर मैं अप्लाई करेंगे, ये फॉर्मूला को इसलिए अप्लाई करेंगे क्योंकि 2 sin² θ की जगह 1 - cos 2 θ लिखेंगे, तो यहाँ से इंटीग्रेशन जो है इजीली हो जाएगा। तो यहाँ से एफ ऑफ थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है, इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 - cos 2 θ d θ। तो यहां से आपको जो एफ ऑफ थीटा आया, एफ ऑफ थीटा का 1 का इंटीग्रेशन कितना हो गया थीटा, और कॉस 2 θ का इंटीग्रेशन sin 2 θ डिवाइड बाई 2, यानी ये, और चाहो तो आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का कांस्टेंट सी को रख सकते हो, है ना। तो एफ ऑफ थीटा का वैल्यू आ गया थीटा - 1/2 sin 2 θ + c।
अब आप एक बार थीटा का वैल्यू पाई बाई थ्री पुट करोगे और पाई बाई फोर पुट करोगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, एफ ऑफ पाई बाई थ्री, एफ ऑफ पाई बाई थ्री को आप कितना लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे पाई बाई थ्री माइनस वन बाई टू साइन, यहाँ पर मैं कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, टू पाई बाई थ्री साइन टू पाई बाई थ्री प्लस सी। तो यहाँ से जो एफ ऑफ पाई बाई थ्री हुआ इसका वैल्यू आपको कितना आ गया, पाई बाई थ्री माइनस वन बाई टू साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री यानी साइन 90 प्लस 30 यानी कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू आपको हो जाएगा अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई टू प्लस सी। तो यहां से आपको जो एफ ऑफ पाई बाई थ्री आया इसका वैल्यू आ गया पाई बाई थ्री माइनस अंडर रूट थ्री डिवाइड बाई फोर प्लस सी। ये तो पाई बाई थ्री का आपको वैल्यू आ गया। इसी तरह से अगर आप एफ ऑफ पाई बाई फोर निकालो, पाई बाई फोर निकालो तो यहां पर मैं थीटा के जगह कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू, वन बाई टू देखो यहां पर मैं साइन टू इंटू पाई बाई फोर साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना हो जाएगा वन प्लस सी। तो एफ ऑफ पाई बाई फोर का ये वैल्यू आपको आ गया। अब दोनों को सबट्रैक्ट कर दीजिए, दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको आंसर कितना आएगा, एफ ऑफ पाई बाई थ्री माइनस एफ ऑफ पाई बाई फोर इक्वल टू ये हो गया। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो पाई बाई थ्री माइनस पाई बाई फोर कितना हो गया, आपको ये हो गया पाई बाई ट्वेल्व, ठीक है, पाई बाई ट्वेल्व माइनस अंडर रूट थ्री बाई फोर प्लस वन बाई टू और सी क्या हो गया कैंसिल हो गया। तो ये फाइनल आंसर आ गया आपको, जो आपने निकाला था एफ ऑफ थ्री माइनस एफ ऑफ वन इसका वैल्यू आ गया पाई बाई ट्वेल्व माइनस रूट थ्री बाई फोर प्लस वन बाई टू। तो जो फोर ऑप्शन है माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऑप्शन फोर पाई बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई फोर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया पाई बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई फोर, ऑप्शन फोर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन फोर। तो हमने यहाँ पर मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाया आप देख सकते हैं, ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट ये लगाया कि x को टेन स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट कर दिया, टेन स्क्वायर थीटा सब्सटीट्यूट करने के बाद में इसको पूरा सिंप्लीफाई किया, तो जहां पर मैं x का वैल्यू थ्री था उसके करस्पॉन्डिंग थीटा निकाल लिया, जहां पर x का वैल्यू वन था उसके करस्पॉन्डिंग थीटा निकाल लिया, अब एफ ऑफ थ्री के जगह एफ ऑफ पाई बाई थ्री रखा और एफ ऑफ वन के जगह एफ ऑफ पाई बाई फोर रखा, और दोनों वैल्यू को हम लोग निकालते हुए जब हम लोगों ने सॉल्व किया तो आपको ये वैल्यू जो ऑप्शन फोर है पाई बाई ट्वेल्व प्लस वन बाई टू माइनस रूट थ्री बाई फोर इज द करेक्ट आंसर। तो डियर फ्रेंड्स आप ये सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा एंड मैं आपको मैक्सिमम जो बेस्ट पॉसिबल कंटेंट है वो आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।